नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपम सर है और आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग जो कि है कचोड़ा के 33X कार्ड फोन है। मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट लुक, ये इस तरह दिखने वाला है और ये साइड के बेजल्स भी हुए हैं और इसमें हमें स्क्रीन इतनी सी मिलेगी। एक डिफरेंट चीज़ दिखाऊंगा आपको मैं। मैंने इसका यूज़ तो नहीं करा पर मैंने इसके बारे में बहुत सुने हैं। तो जैसे कि इसमें हमें मिल जाती है छोटी सी डिस्प्ले है और इसको हम एक हाँ इसको हम स्मार्टफोन के साथ जोड़ सकते हैं जैसे कि हमें दिख रहा है। और इसके बैग में हमें कुछ मिलेगा नहीं ज़्यादा कि हम कुछ बता सकेंगे, बस एक 3.5 mm कॉमन जैक ऑडियो जैक है और इसे हम पहले अनबॉक्स कर लेते हैं जिसके लिए हमें चाहिए एक नाइफ। ये देखिए ओके, तो मैं इसकी कर लेता हूँ अनबॉक्सिंग। इसको रख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से खुला है। ये देखिए सील हट गई है और इसके बाद हमें मिल जाती है एक केबल जिसे हम रख लेते हैं इधर, एक केबल, एक हमें मिल जाती है बैटरी बैटरी और एक हमें मिल जाता है हमारा एक फ़ोन, इसे हम रख लेते हैं इधर। अब हम डिटेल्स में बात करते हैं इनकी। ये देखिए कचोड़ा के 33। सबसे पहले हम बात करते हैं केबल की। केबल जो हमें मिलती है और एक अच्छी केबल है, हम स्मार्टफोन में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका हमें चार्जर नहीं मिलता तो हमें एक चार्जर ख़रीदना होगा जिसमें हमें मिल जाती है एक लीड जिसको हम इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। ये होगी कुछ स्पेसिफिकेशन। इससे चार्जिंग बहुत अच्छी होती है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक चार्जर ख़रीद ही लेना चाहिए वरना हम कोई भी अपना यूज़ कर सकते हैं चार्जर। इसके बाद हम आते हैं एक इस बैटरी पर। हाँ इस बैटरी पे आएंगे तो हमें देख रहा है कि यहाँ पे कचोड़ा की ब्रांडिंग करी हुई है और पीछे लिखा हुआ है कचोड़ा और कुछ इसके बारे में बताया है, पर ये मेड इन चाइना है तो थोड़ा सावधान रहिए, चाइना की चीज़ें घातक भी हो सकती है। पर मुझे लगता नहीं कि ये घातक हो सकती है क्योंकि इसके बारे में बहुत सुना है और मेरे को अच्छा भी लगता है क्योंकि ये पोर्टेबल और एक्सपोर्टेबल है, हम इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए हाथ में पूरा फिट आ जाता है, वरना वो बड़े बड़े फ़ोन हाथ में फिट नहीं आते। साथ में अगर हमारी जेब में फ़ोन है तो हम इसे अपने लगा सकते हैं कान पे। और ये ब्लूटूथ डायलर है इसमें। ये देखिए ये लिखा भी हुआ है 8 ब्लूटूथ डायलर। हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की। इस फ़ोन में जो हमें दिख रही है ये पूरी स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन सिर्फ इतने से पार्ट में है। ऊपर एक हमें मिल जाती है, ये देखिए ऊपर हमें मिल जाती है कचोड़ा की ब्रांडिंग के 33 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा ये देखिए, और यहाँ पे हमें मिल जाता है स्पीकर और नीचे मिल जाते हैं हमें एक चार्जिंग केबल और एक 3.5 mm का हेडफोन जैक। साइड में हमें कुछ नहीं मिलता है और ऊपर हमें मिल जाती है साइड में एक हैंगिंग लीड और साइड में कुछ नहीं है और पीछे भी कचोड़ा की ब्रांडिंग है। एक बात है इसमें मेरे को माइक्रोफोन नहीं मिला कहीं भी। ओ ये देखिए ये रहा माइक्रोफोन डिस्प्ले में दिए हुए। चलिए इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम इसका कवर निकाल लेते हैं। पीछे से कुछ इंटरफेस ये मिल जाते हैं, हमें एक टॉर्च मिल जाती है और एक यहाँ पे कैमरा है और यहाँ पे इसका IMEI नंबर और मैं वो आपको दिखा नहीं सकता। और ये हमें मिल जाती है दो
सिम कार्ड ट्रे और एक हमें मिल जाती है एसडी कार्ड की स्लॉट। तो हम इसमें डाल देते हैं एक बैटरी। उससे पहले इस आपको एक बात बता दूँ, इसमें हमें लगाना हैगा एक नैनो सिम। तो हम लगा लेते हैं नैनो सिम। इंसर्ट करने के लिए हमें इसको पीछे करना है, ऊपर उठाना है और लगाना है, और उसके बाद वापस इसको पीछे, ये सेट नहीं बैठी, कोई नहीं। हाँ जी, ये देखिए ये बैटरी है। अब आपको इसकी इंटरफेस और कुछ इस प्रकार हमारा ये फ़ोन के पीछे लग गए हैं एक सिम। और अब हम इंसर्ट कर लेते हैं बैटरी। ओके, इस तरफ लगेगी और हम इसको ऑन कर लेते हैं। ये देखिए कचौड़ा की ब्रांडिंग। ओके, तो हमें ये मिल जाती है एक डिस्प्ले जिसमें ग्राफिक्स तो दिख रहे हैं हमें का सेम। चलिए मेन्यू पे चलते हैं, मेन्यू। ओके, हाँ ओके, कैमरा भी है क्या इसमें? मल्टी टास्क, अच्छा मल्टी, ओ कैमरा क्या, एक शूट ले लेते हैं। ये मैंने एक शूट लिया है अपने चार्जर का, देख सकते हैं वही ऑर्डिनरी। ठीक है, इसका हमें एक कैमरा दिख गया है। कैमरे में हम एक और फोटो ले लेते हैं। कचौड़ा के फ़ोन की ही ले लेते हैं। चलिए, ये देखिए हमें ऐसा कुछ मिल जाता है। और ये अपने आप फोटो चली गई है। बैक जाते हैं, कैमरा इमेज। ओके, ये हमें जूम का ऑप्शन भी है क्या इसमें? जूम का ऑप्शन नहीं है। ओके, अच्छा है फ़ोन। इसमें हमें, अब देखिए इसमें एक चीज़ अच्छी है कि अभी आपको बटन्स दिख रहे हैं क्योंकि लाइट है। जैसे ये बंद होगी, ये देखिए ये बंद हो गई है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपको सस्ते में लग रहा है तो आप लीजिए, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इसमें MRP मिल जाती है 500 के आसपास, और 500 के आसपास मिल जाती है। तो मैंने भी 900 की जगह था और 200 रुपये लेस थे इस पे, तो मैंने ले लिया है इसको फ़ोन को। और फिर यहाँ आते आते फिर एक इसके डैमेज हो गया था फ़ोन, तो मैंने वापस कराया था, 100 रुपये लेस हो गए थे, तो मेरे को 600 का पड़ गया था फ़ोन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लीजिए, और अगली वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक इंटरेस्टिंग गैजेट जो कि है Honor 6X। मैं आपको दिखा देता हूँ ये इसका इंटरफेस Honor 6X का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए।